हेलो दोस्तों, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक क्लास टेंथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम्स है ना प्लस्टिक क्षेत्रफल से लेकर आया हूँ, है ना आयतन से लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए मैं यहाँ पे दोस्तों आपको हिंदी से लिख दिया हूँ क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा स्पेस है नहीं, और बोर्ड में ज़्यादा स्पेस ना होने के कारण मैं इंग्लिश से नहीं लिखा हूँ, सिर्फ हिंदी से लिखा हूँ। तो मैं सबसे पहले इंग्लिश से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। तो देखिए, अ मेडिकल कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो देखिए, फाइंड इट्स क्या फाइंड करना है, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए हिंदी से पढ़ते हैं। एक दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ठीक, ये सिलेंडर का आकार का है, एक कैप्सूल है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये देखिए, एक अर्धगोला और एक अर्धगोला ये लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये 5 mm क्या है, इसका अर्धगोले का है ना व्यास दिया हुआ है 5 mm, डायमीटर कितना दिया है 5 mm। तो देखिए चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टोटल लेंथ कितनी है, 14 mm टोटल लेंथ, कुल लंबाई जिसे बोलते हैं, क्या कुल लंबाई, कुल लंबाई कैप्सूल की कितनी है, 14 mm, कितनी है 14 mm, ठीक। अब बताइए ये 5 है, इसका अगर हम आधा करेंगे तो क्या बचन बनेगा, 5/2, और ये भी क्या बनेगा, 5/2। तो क्या लिखते हैं कि डायमीटर, डायमीटर ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल तो कहा जाए कि कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल, कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल का व्यास कितना है दोस्तों, 5 mm। तो त्रिज्या क्या, अर्धगोले का त्रिज्या हम लेंगे, अर्धगोले, अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा R, है ना, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्योंकि दोनों साइड क्या दिया है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो क्या हो जाएगा 5/2 mm, ठीक। डायमीटर 5 है तो उसका आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, रेडियस होता है, 5/2 हो जाएगा, 5/2 इधर हो जाएगा और 5/2 इधर हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करिए तो सिलेंडर की बेलन की लंबाई देखते हैं, बेलन की लंबाई या फिर हाइट, एच वही चीज है, एच मतलब लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए 14 टोटल है, 14 में से 5 क्या करेंगे, 5/2, 5/2 प्लस 5/2 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो देख लीजिए 14 माइनस ये एलसीएम आ जाएगा 2, और 2 से 2 कटेगा एक बार तो 5, और ये क्या आ जाएगा 5, ठीक। क्या हो जाएगा 14 माइनस 5 और 10/2, 2 से कट जाएगा तो कितना 5 बार, तो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9, 9 mm मीटर क्या हो जाएगा हाइट, ठीक 9 mm हाइट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अभी स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, कैप्सूल का, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैप्सूल का, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। देख लीजिए सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, बेलन का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, चाय रख दो, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बेलन हो गया। अब क्या लगे हैं, दो अर्धगोले, तो दो गुणे अर्धगोले, अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश से लिखेंगे 2 इंटू एरिया या सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh प्लस दो गुणे अर्धगोले क्या होता है, दो है, एक ए और एक ए, तो क्या हो जाएगा, दो गुणे 2πR² ये हो जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ से 2πR, आर की वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे क्या निकाले थे, 5/2 है ना। ये हेमिस्फीयर सिलेंडर का भी, सिलेंडर और हेमिस्फीयर का दोनों का रेडियस सेम होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5/2। और एच, एच कितना है आपके पास, 9 आ चुका है, ये ले लीजिए, ये 2 इंटू 2, और ये पाई को रहने दीजिए, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देख लीजिए ये दो से ये दो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 9 × 45 πप्लस, यहाँ से देख लीजिए 2 × 2 = 4π और 25/4 स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 से 4 ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 45π प्लस 25 प्लस 25π कितना हो जाएगा, 25π। दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 × 5 = 10 और 2 × 4 = 6 1 × 7 = 70π। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दीजिए क्या, 22/7, 7 से कट जाएगा, 7 × 2 = 70, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 210 मिलीमीटर। तो क्या लिखना है आपको आंसर में लास्ट में, अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 मिलीमीटर होगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल 220 मिलीमीटर। ओके दोस्तों, ये पूरा आपका आंसर है, तो आप अच्छे से इसको करिए सॉल्व, अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ये आपके लिए है। तो पेपर में आना ही आना है, 110% पॉसिबल है कि आएगा ही आएगा। तो दोस्तों जल्द जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और सबसे ज़्यादा जो बात है, ज़रूरी बात है, कि शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।